हरियाणा प्रदेश त्राही माम करके परेशान है। एक सिलेंडर फ्री देंगे, 1100 रुपए हर महिला को रसोई का खर्चा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और हम आ गए हैं बल्लभगढ़ के निरावली गांव में। परिवर्तन यात्रा का दौर चल रहा है, अभय चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, जो कि इनेलो के विधायक हैं, उनकी ये परिवर्तन यात्रा है। यात्रा के कई उद्देश्य हैं, कई मकसद हैं, परिवर्तन एक बड़ी मांग है। इसी बीच मुझे मिली है सुनैना चौटाला जी। आपको बता दूं कि रवि चौटाला जी की वाइफ हैं, नैना चौटाला जी की देवरानी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका देश रोजाना। मैम, आपसे पहले जानना चाहूंगी परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य, मतलब मुझे पता है फिर भी मैं आपकी जुबानी जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो परिवर्तन इसलिए चाहिए क्योंकि आज पूरा हरियाणा प्रदेश त्राही माम करके परेशान है। महंगाई से हमें राहत चाहिए, बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पे है उसके लिए परिवर्तन चाहिए। ये जो सड़कें टूटी पड़ी है इस विकास के लिए परिवर्तन चाहिए। इसीलिए चौटाला साहब ने इस परिवर्तन यात्रा को गांव-गांव में भेजा है ताकि हम गांव का जायजा ले सकें। और जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार सत्ता में आए तो तमाम जो मुश्किलें हैं उनको हल कर सकें। सत्ता में आएगी अगर इनेलो तो क्या क्या मुश्किलें हल होंगी? महंगाई कम होगी, सड़कें अच्छी होंगी, पानी बिजली सब पहले से ज़्यादा दुरुस्त होगा। तीन वायदे चौटाला साहब ने किए हैं। पहला वायदा है जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 100 से 7500 रुपए करने का। दूसरा वायदा है नौजवानों को हर घर में चाहे बेटा हो बेटी हो रोजगार दिलाना, और जिस बच्चे को रोजगार ना मिले उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना। ये प्रतिमाह होगा, ये प्रतिमाह होगा। और तीसरा वायदा है मेरी बहनों के लिए, जो सिलेंडर 400 का आज 1200 का हो गया उस सिलेंडर को हम हर घर में हर महीने एक सिलेंडर फ्री देंगे और 1100 रुपए हर महिला को रसोई का खर्चा देंगे। चलिए, ओल्ड एज पेंशन है, फ्री सिलेंडर है, बेरोजगारी भत्ता है, तमाम वायदे हैं। अगर इनेलो सत्ता में आती है तो टूटी हुई सड़कें एक मुख्य समस्या हैं जो हरियाणा प्रदेश की हैं, गांवों की हैं, शहरों की हैं। उसका सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में पानी बहुत भरता है बरसात। देखिए, चौटाला साहब ने हमेशा एक विकासशील मुख्यमंत्री बने, अभय सिंह जी चौटाला उन्हीं के रास्ते पे चल के जो ये सड़कें टूटी हुई हैं ये किसी टाइम में चौटाला साहब ने बनवाई थी। हमारा दायित्व तो बनता है हम इनको सब पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देश रोजाना से बातचीत करने के लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको कि परिवर्तन के लिए जो यात्रा अभय चौटाला जी की शुरू हुई है उसका जो मकसद है उसमें अगर यात्रा कामयाब हुई तो इस राज्य में अभय चौटाला जी की यानी कि इनेलो की सरकार बनती है या नहीं, क्या रुख है जनता का, तमाम बातें बताएंगे आपको। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।